तो हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने इससे पहले वाले सेशन में हमने कुछ कॉम्बिनेशंस की बात की थी, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो सारे कॉन्सेप्ट हम यूज करने वाले हैं, किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या हमें उनका आंसर करना है और कैसे हमें उसे सोल्व करना है। तो ये यहाँ पे देखिए बहुत ही बेसिक से यहाँ पे एक सर्किट में लेके आया हूँ, और हम हमेशा से जैसे हमारी जो सीरीज होती है हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल पर जाते हैं। देखिए फटाफट इसको सोल्व करते हैं, थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट लगाएंगे हल्के हल्के और देखते हैं यहाँ पे कैसे होता है। देखिए समझते हैं हम लोग, हम मान लेते हैं कि ये जो आर्म है यहाँ पे करंट आई जा रहा है, ठीक है, आई जा रहा है यहाँ पे करंट इस पूरे में, ये सर्किट का एक पोर्शन है, हमें इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखिए आई जा रहा है पहले आर वन में से पास होगा, ठीक है, आर वन में से पास होकर पॉइंट बी तक आएगा और बी वाला जैसे ही नोड पॉइंट पे पहुंचेगा, यहाँ पे जैसे जंक्शन पॉइंट पे पहुंचेगा, तो आर टू और आर थ्री के लिए क्या हो जाएगा, बट जाएगा। ये किस किस में बट जाएगा, हम मान लेते कि आई वन और आई टू में बट जाएगा, ठीक है। दोबारा से आई वन और आई टू यहां से जाकर जब दोबारा पॉइंट सी के लिए निकलेंगे तो यहां पे करंट दोबारा से कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा यहां पे। तो देखिए हमने एक बात की थी कि जहां करंट का क्या हो रहा है, डिवाइडेशन हो रहा है, या जहां पे करंट की वैल्यूज क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वो कॉम्बिनेशन कैसा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। और जहां पे करंट की वैल्यूज सेम है, ठीक है, सेम का मतलब है कि जो इनिशियल वैल्यू अगर उसी वैल्यू के बराबर है तब कौन सा कॉम्बिनेशन होगा हमारा, तब हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। यानी कुल मिला के बात यह है कि जो ए पॉइंट है और सी पॉइंट है, ए और सी पॉइंट कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन होंगे, लेकिन बीच में यहां पे ये जो हमारे पास में एक रोड़ा आ गया यहाँ पे बीच में R2 और R3, ये रेजिस्टेंसेस कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 के रिस्पेक्ट में कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। देखिए बनाते हैं, सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ये जो हमारा सर्किट का जो पोर्शन बना हुआ है R2 और R3, इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाउंड करते हैं। सो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्यों, क्योंकि R2 और R3 दोनों में करंट की वैल्यूज क्या है, डिफरेंट है, यानी दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, पैरेलल है। सो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू द 1 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R3, इनकी वैल्यूज दी हुई है, R2 इज 4 ओम एंड R3 इज अगेन 4 ओम, दोनों 4 ओम है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से आ जाएगी हमारे पास में 2 अपॉन 4, यानी कि n बाई R जो हम लिख रहे थे यहां पे, तो कितना आ गया यहां से 1 बाई 2, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 2 ओम, ये वैल्यू आ गई R इक्विवेलेंट की, ठीक है। तो अब ये जो सर्किट है ये कैसे रिड्यूस हो जाएगा, A से लेकर C तक कैसे रिड्यूस होगा, ये दिस इज पॉइंट A पॉइंट B, और यहां पे एक रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां पे आ गया हमारे पास में, दिस इज द R इक्विवेलेंट, और ये हमारे पास में क्या था R1, R1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास में 2 ओम थी, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू भी हमारे पास में क्या है 2 ओम आई, यानी यहां से करंट जो आई जाएगा वही करंट इन सब में से पास होकर लास्ट में कितना बचेगा, आई बचेगा, ठीक है। तो यहां पे ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना होगा इस फिगर के लिए, आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, आर वन प्लस आर इक्विवेलेंट, यानी कि जो आर पैरेलल हमने निकाला था उसकी वैल्यू, सॉरी ओवरऑल रेजिस्टेंस आर जो हमें फाइंड आउट करना था यहां पे, सो आर विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, दिस इज 2 ओम एंड दिस इज अगेन 2 ओम, यानी ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 4 ओम, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ये हमें इसके लिए सॉल्यूशन निकालना था। मेरे ख्याल से बड़ा ही बेसिक सा ये सर्किट रहा है, इसको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आई होगी। अब हम थोड़े से एडवांस सर्किट की तरफ चलते हैं, सो लेट्स फाइंड आउट उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ओके सो स्टूडेंट, अब हमारे पास में ये जो नई जो अभी सर्किट हमारे पास में है, इसमें देखिए हमसे दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले तो हमें इसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, कब, जब ये ओपन स्विच है, यहाँ पे बीच में एक स्विच एस दिया हुआ है, देखिए अगर पहले ही ओपन स्विच है तो उसके लिए सॉल्व करना है, दूसरी बार में हमें ये कहा कि जब ये क्लोज स्विच है तो उस केस में हमें सॉल्व करना है। चलिए फाइंड करते हैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कैसा स्विच है, ओपन स्विच है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ओपन स्विच के लिए। तो देखिए यहां से क्या होगा, मान लेते करंट आई आ रहा है पॉइंट ए से, यहां पे फिर क्या बन रहा है, जंक्शन बन रहा है, यानी यहां से कैसे कट गया, यहां से ये आई वन कट गया, मान लेते इस तरफ कितना आ गया, I2 आ गया, ये यहाँ पे चेंज हो गया यहाँ पे। अब ये कैसा स्विच है, ओपन स्विच है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो करंट जो फ्लो करेगा यहाँ से, करंट हमेशा कौन से पाथ को ढूंढता है, देखिए करंट हमेशा कैसे पाथ की तरफ जाता है, हमेशा शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ की तरफ जाता है, कैसे पाथ की तरफ जाता है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल। अगर यहाँ पे ये स्विच कैसा है, खुला है, ओपन है, यानी कि यहाँ पे इसको कोई पाथ मिल ही नहीं रहा, तो क्या करेगा, ये सीधा इसी आर्म में से होते हुए निकलेगा, और यहां भी कितना मिलेगा, आई वन मिलेगा, और यहां से कितना आएगा, सिमिलरली आई टू आएगा, और ये दोनों मिलकर इस पॉइंट पे कितना बन जाएंगे, दोबारा से आई बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहां से समझने की क्या बात है कि ये जो 10 ओम है यहां पे, ये जो 10 ओम और आगे वाला जो 10 ओम, ये दोनों किसकी तरह बिहेव करेंगे, सीरीज की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन ये आर्म जो ऊपर वाली आर्म है और ये जो नीचे वाली जो हमारी आर्म होगी, ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, एक दूसरे के लिए पैरेलल की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो शुरू वाली आर्म का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, मान लेते कि शुरू वाली आर्म का रेजिस्टेंस आर वन है वो कितना होगा, 10 प्लस 10 यानी कि 20 ओम हो जाएगा, और सिमिलरली जो दूसरी आर्म है उसका रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 यानी कि 20 ओम। लेकिन इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा आर इक्विवेलेंट वो कितना हो जाएगा, यहां से देखिए वो कितना होएगा हमारे पास में, हम लिखेंगे 1 अपॉन
वन अपॉन आर वन, वन अपॉन आर टू। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा कि देखो रेसिप्रोकल वैल्यू लिखता है इसलिए उसको पहले ही उल्टा करके लिख दिया यहां से। तो यहां से वैल्यू कितनी आने वाली है, यहां से हमारे पास में वैल्यू आने वाली है 20 into 20 upon 20 plus 20। किसके लिए है ये आर इक्विवेलेंट? ओपन स्विच के लिए, ठीक है। आर इक्विवेलेंट किसके लिए यहां पे? ओपन स्विच के लिए। सो दिस विल बी इक्वल टू कितना बचेगा यहां पे? ये बचेगा 10 ohm, ठीक है। ये कितना बचेगा हमारे पास में? 10 ओम वैल्यू आएगी, ठीक है। दिस इज द आर इक्विवेलेंट फॉर द ओपन सर्किट। अब हम बात करते हैं अगर सर्किट कैसा है, क्लोज है, नंबर दो। अगर सर्किट कैसा है, क्लोज है, तो चलिए इस सर्किट को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो मैं इसको एक सर्किट बना लेता हूं यहां साथ में, एक सर्किट और बना लेता हूं समझाने के लिए। ओके, सो अब यहां पे देखिए कैसा स्विच है, क्लोज स्विच है। तो क्लोज स्विच होगा तो जैसे मान लीजिए यहां पे क्लोज होगा तो ये क्या बन जाएंगे, दो अलग अलग क्या बन जाएंगे, सेक्शन बन जाएंगे यहां पे। दिस इज अगेन 10 ओम एंड दिस इज अगेन 10 ओम। ये दो अलग अलग सेक्शन बन जाएंगे हमारे पास में। तो पहले हमें इस सेक्शन को सोल्व करना है, उसके बाद में इस सेक्शन को सोल्व करना है, ठीक है। अब समझने की बात क्या है कि पहले ये जो दोनों की आर्म्स थी, ये जो दोनों एक आर्म पे जो रेजिस्टेंसेस थे, ये किसकी तरह बिहेव कर रहे थे? सीरीज की तरह बिहेव कर रहे थे। लेकिन इस बार क्या है कि ये जो सिस्टम है, ये जो 10 ओम है और नीचे वाला जो 10 ओम है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, और बाद में ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, बाद में आगे वाला जो सिस्टम है वो भी क्या है कि ये जो 10 ओम बच गया यहां पे और जो नीचे हमारे 10 ओम है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और बाद में ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन एक दूसरे कैसे हैं, सीरीज में है। लेट अस से यहां पे करंट आई फ्लो कर रहा है और यहां पे भी करंट वापस क्या निकलने वाला है, आई निकलने वाला है, ठीक है। दिस इज द थ्योरी है, ये यहां पे कांसेप्ट होने वाला है हमारा। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो आर वन सॉल्व करेंगे उसके लिए वो कैसा आएगा, यहां से दोबारा से कैसा आएगा, इसी का इनवर्स होगा, 1 upon 10 1 upon 10। कैसे आएगी वैल्यू हमारे पास में आएगी, 10 into 10 upon 10 plus 10। ये हमारे पास में वैल्यू होगी 10 into 10 upon 10 plus 10। 10 into 10 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 100 हो जाएगा। एंड दिस इज अगेन व्हाट, दिस इज 20, और 100 अपॉन 20 कितना आने वाला है, 5 ओम हमारे पास में वैल्यू आने वाली है, ठीक है। सिमिलरली अब देखो रेजिस्टेंस की वैल्यूज अगर सेम है तो आगे वाले की वैल्यू भी क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, दोबारा से आर टू के इक्वल हो जाएगी। और इस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, आर इक्विवेलेंट किसके लिए है, क्लोज सर्किट के लिए है, ठीक है। अब यहां पे समझिए क्लोज सर्किट के लिए क्या होगा कि ये सिस्टम और यहां वाला सिस्टम, ये दोनों एक दूसरे कैसे आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे एक दूसरे की सीरीज में, क्योंकि यहां पे भी करंट आई जा रहा है और इसमें भी करंट क्या जा रहा है, आई जा रहा है, और आउटपुट भी क्या मिल रहा है, आई मिल रहा है, ठीक है। सो ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में होंगे। दोनों की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, आर वन और आर टू दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये कितने होने वाला है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर वन प्लस आर टू एंड दैट इज इक्वल्स टू 5 plus 5 एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 10 ओम, ठीक है। तो यहां पे भी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, 10 ओम आ गई। यहां से किसकी वैल्यू आ गई, दिस इज द आर इक्विवेलेंट, ठीक है। क्या वैल्यू आ गई, 10 ओम। और ऊपर वाले केस में भी क्या आ गई, 10 ओम आ गई। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इस सर्किट को चाहे आप ओपन सोल्व करें चाहे आप क्लोज सोल्व करें, तो वैल्यूज क्या आएंगे इसकी, क्या आएंगी रेजिस्टेंस की वैल्यूज, क्या रहेंगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, सेम रहेंगी। ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगर आप ये सोचते हैं कि हर केस में ऐसा होता, नहीं, हर केस में ऐसा नहीं होता है। जितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा उतने ही ज्यादा पॉसिबल आंसर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये तो क्या था हमारे पास में, सिंपल सर्किट था, तो ये हमने सॉल्व किया।